हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गुड़ की तिल की चिक्की। तो बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली हूँ, वो भी तीन ही चीज़ों से। तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसके लिए हमने एक कटोरी गुड़ और एक कटोरी सफ़ेद तिल ले लिए हैं। जितना हम तिल लेंगे उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो चलिए बनाते हैं। तो एक पैन में हम तिल को अच्छे से भून लेंगे, जब तक वो ऐसे जंप ना करने लगे, ऐसे उड़ने ना लगे, तब तक समझिएगा कि हमारी तिल भून रही है। जैसे ही तिल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, भून जाएगी, तो उसको हम निकाल लेंगे और हम गुड़ को भूनने के लिए लेंगे। तो जब जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगेगा, तो उसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। इससे गुड़ बहुत ही शाइनिंग हो जाएगा और हमारी चिक्की शाइनिंग करेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो हम इसमें एक चम्मच पानी भी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि वो चिक्की बहुत ही क्रिस्पी बने। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो हम इसमें अभी एक चम्मच पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे, ठंडा पानी, और उसमें ये गुड़ का एक ड्रॉप डाल के देखेंगे। अगर वो क्रिस्टल के जैसे, कांच के जैसे टूटेगा, तो समझ जाएगा कि हमारा गुड़ तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें गैस बंद करके भुने हुए तिल डालेंगे और उसको अच्छे से गुड़ को मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हमने गैस बंद किया है। तो अब हम इसको फ्लैट सरफेस पे ऐसे घी लगा के, अच्छे से हमें फ्लैट सरफेस पे घी लगा लेना है और मिक्सचर को इस पे गरम गरम ही डालना है, ताकि हम इसको अच्छे से चिक्की बना सकें। देखिए जल्दी जल्दी करना है ये प्रोसेस। तो देखिए मैंने एक जगह पे इसको जमा कर लिया है और अब हम इसको बेलेंगे। और उसके पहले हम बेलन को भी एक घी लगा लेंगे। तो बेलन को मैंने घी लगा लिया है और हम इसको अभी अच्छे से बेलेंगे। जितना आप मोटा रखना चाहते हैं इतना मोटा आप रखिए और इसको अच्छे से बेल लीजिए। और हमें इसको गरम गरम ही बेलना है, नहीं तो ये अपना शेप नहीं ले पाएगा। ठंडा होने के बाद ये स्टफ हो जाता है और ये फैलता नहीं है। तो इसको गरम गरम ही फैलाना है और कट करना है, ताकि हम इसके अच्छे से पीसेस बना सकें। तो देखिए ये मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने शेप दे दिया है। जितना मोटा मैं रखना चाहती थी उतना ही मोटा मैंने रखा है। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से काट लेंगे। ये अभी भी है, थोड़ा सा गर्म है, तो इसको हम काट लेंगे, ताकि हम इसके अच्छे से पीसेस कर सकें। और तिल की चिक्की ये हम सर्दियों में ही मौसम में ज़्यादा खाते हैं, ताकि हमारी अंदर शरीर में गर्मी बनी रहे। तो बहुत ही इजी तीन ही चीज़ों से बनने वाली गुड़ की चिक्की तैयार है। और बहुत ही आसानी से आप कोई भी इसे बना सकता है घर पे। तो संक्रांति के दिन इसका बना के इसका मज़ा लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी मैंने आपको बना के दिखाई है। तो देखिए इसको गरम गरम ही मैं कट कर लेती हूँ, ताकि इसके अच्छे से ठंडा होने के बाद पीसेस हो सके। ये देखिए अच्छे से कट कर लिया है मैंने, और आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्रिस्पी भी बनी थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी थी, आप देख ही सकते हो। मैंने हलवे के साथ इसको सजाया है। तो हलवा और तिल की चिक्की, वो भी गुड़ से बनी हुई, तैयार है। ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तिल बनाने की, चिक्की बनाने की। और आपको ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है, देखिए कैसे टूटी है, और क्रिस्पी और क्विक।
बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया है, तो ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ।